Dear students, today we shall be talking about the qualities of culturable fishes, that is, what kind of fishes we should culture and what should be the criteria for the selection of the species for the uh, PC culture. But it is my request to you all uh, before proceeding kindly press the bell, bell icon and subscribe my channel BioLearn here. When we say aquaculture, any aquaculture enterprise to be a success requires investment of time, money, efforts, scientific methodology, and the species to be cultured. So, all these things together make the venture successful. But for the profitable PC culture, it is necessary to select those species which fetch profit and are capable of utilizing artificial and the natural food to the maximum extent. fish species uh, should fulfill certain criteria to be selected for the culture. now, what should be the criteria for the selection of the species for the aquaculture so that your ban, your um, this um, venture, your pc culture project, your aquaculture, Could be a profitable one. You can fetch more money. आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ऐसी कौन सी मछलियां हम लोग पालें कि ज्यादा फायदा किसान को हो तो सबसे पहली बात द फिश शुड बी टेस्टफुल मछली टेस्टी होनी चाहिए वो खाने लायक होनी चाहिए उस जगह पर जहां पर मछली बेची जानी है वहां के लोगों का टेस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट वो लोग पसंद करते हैं ताकि हम लोग वही मछली पालें पहला शुड भी टेस्टफुल शुड बी हैविंग हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ये नहीं की मछली जो है उसमें न्यूट्रेटिव वैल्यू बहुत कम है उसमें प्रोटीन कॉन्टेंट कम है फैटी एसिड्स कम है तो हमें ऐसी मछली चुननी है जिसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू हो जिसमें ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशन हो और शुड बी हैविंग द लो बोन टू फ्लैश रेशो यानी कि हड्डी और मांस का रेशो जो है वो हड्डी का मास के कम रेशो होना चाहिए। Should be palatable, वो खाने लायक होने चाहिए उसमें कोई ऐसी बदबू ना हो कि वो खाई ना जा सके शुड बी जेंटल एंड पॉइजनस वो जो है मछली वो बहुत ही जेंटल होनी चाहिए यानी कि जब आप उसको पौड़ में कल्चर करें तो वो ज्यादा जो है भागे ना और पॉइजनस नहीं होनी चाहिए यानी कि उसमें कोई ऐसा जहरीला तत्व नहीं होना चाहिए जो इंसान को नुकसान पहुंचा सके हाँ जो दूसरे क्राइटेरिया हमारे पास मछली पालने से पहले हम मछली सेलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया चुनते हैं उसमें एक क्राइटेरिया भी है कि मछली जो है वो वो फास्ट ग्रोथ रेट होनी चाहिए उसकी यानी कि तेजी से बढ़नी चाहिए ऐसा ना हो कि मछली का ग्रोथ रेट बहुत कम है और बहुत ज्यादा फीड खाए और उसकी ग्रोथ कम हो तो वो नुकसानदेह हो सकता है फिश शुड फीड ऑन बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फूड मछली जो है वो आर्टिफिशियल फीड पर भी चाहे वो चाहे वो हमारी पैलेटेड फीड हो चाहे वो क्रम्बल्स हो, चाहे वो माइक्रो पैलेट्स हो, चाहे वो चाहे वो कोई भी आर्टिफिशियल फीड हो या फॉर्मुलेटेड फीड हो उस पर भी वो फीड करनी चाहिए और चाहे वो हमारी लाइव फीड है जैसे कि हमारे फाइटो प्लेंगटन है जू प्लेंगटन है रोटिफर्स हैं हैं साइक्लॉप्स हैं या इवन की फाइटोप्लेंटान एलगी की शक्ल में हो उन पर भी वो फीड आसानी से करनी चाहिए हाँ एक क्राइटेरिया और है कि मछली जो है वो हरबी वो रस होनी चाहिए ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर मछली जो है हरबी वो रस हो कारनी वो रस ना हो ताकि हम एक से ज्यादा मछलियां जो है स्पीशीज पाल सकें एक पॉन्ड में तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मछली हरबी वो रस हो यानी कि प्लांट्स को खाने वाली या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने वाली हो तो ज्यादा बेहतर है और वो शुड कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड फॉर द ग्रोथ वो बहुत ही कम खाना खाकर ज्यादा ग्रो करनी चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाए और कम ग्रोथ दिखाए नहीं वो कम खाना खाकर ज्यादा ग्रोथ दिखानी चाहिए उसका ग्रोथ रेट फास्ट होना चाहिए शुड बी कंपेटेबल विद अदर स्पीशीज बाकी बाकी स्पीशीज के साथ अगर उसको हम लोग कल्चर करने की सोचें तो हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए वो आपस में बड़ी ही बड़े ही कंफर्टेबली वो आपस में इकट्ठे रहने चाहिए यानी कि उनमें कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए फिर अगर हम जाने और क्राइटेरिया जो हम चाहते हैं कि हमारी मछलियों में हो वो ये है कि वो आसानी से डिजीज़ ना पकड़े यानी कि वो आसानी से कोई ऐसी डिजीज़ ना पकड़े जो मछलियाँ जो है छोटी सी इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो जाए नहीं हम हमने ऐसी मछलियाँ चुननी हैं जो आसानी से जो है डिजीज ना हो जाए और थोड़ी बहुत हार्डी हो उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर जाए या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को या फिर फिजियोकेमिकल कंडीशंस में अगर पॉन्ड की थोड़ा सा फर्क आ जाए जैसे मान लीजिए कभी कभार डी ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है पानी में तो एकदम दूसरे दिन मछलियां मर जाएं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए उनमें टॉलरेंस पावर होनी चाहिए कि अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो वो सहनी चाहिए उस उस पानी को भी सहनी चाहिए जिसमें डिजोल ऑक्सीजन कम हो या पीएच में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाए तो मर मर गई मछलियां नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमने वो मछलियां चुननी हैं जो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जो हैं वो बर्दाश्त कर सकें उनमें जो वेरिएशन है वो बर्दाश्त कर सकें वो एक प्रोलिफिक ब्रीडर होनी चाहिए यानी कि उसमें ज्यादा क्षमता होनी चाहिए कि वो जो है ज्यादा अंडे दे सके वो ज्यादा ब्रीड कर सके जितनी ज्यादा ब्रीड करेगी वो हमारे लिए अच्छा है जितनी ज्यादा बच्चे देगी हमारे लिए अच्छा है ताकि हमारी नेक्स्ट फसल जल्दी से तैयार हो जाए वो आसानी से हम लोग हार्वेस्ट करने चाहिए उसे, आसानी से हम लोग हार्वेस्ट करने चाहिए यानी कि ऐसा ना हो कि मछली जो है छुप कर दुबक कर झाड़ियों में या मड में या तल में जाकर बैठ जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है उसको हार्वेस्ट करना उसके निकालना उसे बेचने के लिए हम हमें टाइम लगता है फिर उसे निकालने और बेचने के लिए इसलिए वो आसानी से हार्वेस्ट की जा सकनी चाहिए शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस अंडर कन्फाइंड कंडीशन वो आराम से कन्फाइंड कंडीशन यानी कि रुके हुए पानी में या आर्टिफिशियल पानी में भी उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सके जैसे कि हमारी कॉमन कार्प है अगर हम अगर हम थोड़ा थोड़ा बहुत वीड्स अगर हम पॉन्ड में डालें तो वो उसके लिए क्यों है कि भाई वो उस कंडीशन में भी अंडे दे सकती है सिर्फ थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल कंडीशन सेम रहनी चाहिए तो वो कन्फाइंड वाटर यानी कि रुके हुए पानी में भी अंडे दे सकती है तो हमें ऐसी मछलियां ही पालनी चाहिए जो 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 है आसानी से जो है कन्फाइंड वाटर में ब्रीड कर सकें और शुड सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में भी जो है सर्वाइव करनी चाहिए यानी कि कभी कभार अगर मान लीजिए कि ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज हो गई मछलियों की और उनकी डेंसिटी कम हो गई तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई सॉरी तो उस हाई डेंसिटी में भी वो कंफर्टेबली रहने चाहिए यानी कि टॉलरेट करने चाहिए हाईडेंसिटी भी और वो आपस में हम ऐसी स्पीशीज़ चुने जो आपस में एक दूसरे को टॉलरेट करें जैसे कि हमारे पास कतला है रोहू है मृगल है ग्रास कार्प है सिल्वर कार्प है हमारे पास कॉमन कार्प है हम ऐसी मछलियाँ चुने जो आपस में कम्पेटेबिलिटी शो कर सकें और आपस में कंपिटिशन ना हो उनका आपस में तो ये क्राइटेरिया है जो हम मछली सेलेक्ट करने से पहले जो है वो चुनते हैं ताकि हम हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है हमारा बिजनेस रहे okay <laughs> तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो मछली टेस्टी होनी चाहिए पैलेटेबल होनी चाहिए उसमें हाई ग्रोथ होनी चाहिए वो कम खाने में भी ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए उसमें बोन का रेशो कम होना चाहिए वो डिजीज आसानी से उनको उनको वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए वो लाइव फीड और आर्टिफिशियल फीड दोनों को आसानी से खानी चाहिए ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि फिश हरबी हो तो बेहतर है तो फिश हार्डी होना चाहिए, होनी चाहिए डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए आसानी से हार्वेस्ट की जानी चाहिए चाहिए वो वो uh, में भी करनी बर्दाश्त करनी चाहिए, वो चाहिए uh, uh, जो करनी चाहिए वाटर uh, की और वो हाई डेंसिटी में भी रहनी चाहिए और वो कंपैटिबल होनी चाहिए दूसरी स्पीशीज के साथ भी तो ये क्राइटेरिया जो हम सिलेक्ट करते हैं जिसके बिना पर हम लोग मछली को सिलेक्ट करते हैं एक्वाकल्चर के लिए या कल्चर के लिए थैंक यू वेरी मच आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेल का आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें बाय लर्न या चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू